कहना कैसे? अरे भोजन करे चल जब हो ही के तैयार जी गोरी कहै मारे दासे पतिया सिखा कहै कहै मारे दासे आया रे गोरी कहै मारे दासे गोरी कहै मारे दासे पतिया सिखार जी एकै नाम का बाप पुत सुनो ई सवार जी नाती का नाम दूसर कही लाती ए बाबू दुल्हन सवाल कर गई मने सवाल कर गई कि एक काम का कथिन एक का नाम का बाप पुत एक का नाम का एक का नाम बाप पुत नाती का नाम है और एकर भेद बताया मुसाफिर तबे उठाया कौन इतना बात सुन करके बाबू चारों मुसाफिर आपस में बतियाए लगलन की आखिर बात कलन के ई तोहरे इन कारण सब कुछ भेल बा हमन के पेट में चूहा का कूदत बा इतना बढ़िया आइटम सब कुछ रे सामने रखल बा लेकिन बर्दाश्त ना होत बा ऐसन बात करके काहे फंसा देला यार एकदम मन बेचैन हो गई आखिरकार में आपस में दोनों बतियावे लगल पूरा चारों व्यक्ति भैल का मास्टर भैया आगे लाइन में कहना बा भेदिया बतावा हम ये करना रे जनिया गोरी भरे चुआ नाते बनिया ना आहे भेदिया रे गोइया भेदिया ना चारों मुसाफिर फंस गएलन बाबू खाना में मासी पड़त हुए हौकत हुए कि कितना जल्दी से इनकर सवाल के जवाब दे ली और खाना खा ली दिमाग चकरा गई दुल्हन के सवाल सुन करके बाबू जी चारों व्यक्ति के दिमाग चक्कर खा गई भैल का मास्टर भी आगे लाइन में बतावल गई अरे गोरी का सवाल सुनी मर्द घबरा न जी आवे ना समझ में उनकर माथा के कयाल हे आवे ना समझ में उनकर आवे ना समझ में उनकर बुद्धि चकरान जी एक गोरी मान मार बैठा जवान जी हुआ ना के गोरी बैठी सुनी सी बाबू इधर चारों व्यक्ति फंस गए उन लोगन का दिमाग चकरा गए कि इनकर सवाल के जवाब कैसे दे कैसे भोजन करी दुल्हन भी बैठल बा कलन चला अगर हमार से हम तोरे सवाल के जवाब ना दे पोली हमू बैठल थी तू लोग बैठा हम अपन काम छोड़ के आयल ही बैठल तू लोग अपन भोजन छोड़ के बैठा बात फंस गई तब आगे के लाइन में भैल का मास्टर भैया अरे गोरिया ये भैया गरिया काहे ना गरिया के रई साथ चली वो ही गरिया गोरी भरे कुआ ना ते पनिया ना आ गरिया भरे कुआ ना ते पनिया ना ए गोरी भरे कुआ ना ते गोरी भरे कुआ ना पनिया ले गोई
अधिकार में दुल्हन कुआ पे अले बहुत ढेर समय हो गई। अरे दुल्हन गए इधर दुल्हन के सास सोचत हैं कि आखिरकार में हमार बहू किधर गई। काफी देर से निकलन पा पानी लेवे खातिर चल के कुआं पे देख ले ही। हेरत हेरत दुल्हन के सास कुआं पे पहुंच गई और जब कुआं पे पहुंचल बात कहे लगल के दुल्हन बताओ काहे बैठल हो। दुल्हन बतावे लगल के मई हम जब पानी लेवे आईली तो चारों लोग मिल के हमसे एक सवाल कह गयलन और सवाल का कहलन बतेलस सबके चक्कर में सबके चक्कर में ए बाबू कलश की बतावे अपन सवाल का हम कलश की लोग सवाल हमसे कहलन है कि जेकर जड़ पताले जाई ऊपर लागले अंडा अब एकर भेद गए बताऊ गोरी तबे उठाऊ हंडा। तो जब ये लोग हमसे सवाल कर हमके समझ में ना आयल हम इनका सवाल के जवाब ना दे पोली तो हम उस सवाल कर देली कलिन ठीक बा आखिरकार में तू बताओ कौन सवाल केलू है। तो वो दुल्हन बतावे थे कहा थे कि नहीं एकर जड़ नहीं एक नाम का बाप पुत नाती का नाम है और अब एकर भेद बताया मुसाफिर तबे उठाया कर ये सवाल केली है। ते बाबू जब इतना सब सवाल सुनिन बाबू एक घर की चूल्हा बर्तन करने वाली औरत बुढ़िया मतारी उस सवाल को एक शॉर्टकट में बाबू एक ही जवाब में दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया। कैसे मास्टर भैया आगे लाइन में बताओगे अरे जकर रक्षक जाले हाथी पगलाई जी आओ उ है चीज ले के तेली झलिया चढ़ाई आओ उ है चीज ले के तेली झलिया अरे अरे उ है चीज ले के तेली झलिया चढ़ाई उ है चीज ले के तेली झलिया चढ़ाई जी तू करभो जान गोरी पनिया ले के जाई जी मुरत कहई सास देली झगड़ा भरी दुल्हन पूरे शॉर्ट कट और सास पूरे शॉर्ट कट में बता दिले सु बाबू दोनों कलश की सुना मतारी कहत बे कि जेकरे एरक से जाले हाथी पगलाई आ उही चीज लेके तेली घनिया चलाई मां इह महुआ जो नंदा वाली बात कला है जवाब को सवाल कइले हम यह महुआ जोन ऊपर अंडा की तरह लटकर रहेला उज्जर उज्जर सफेद सफेद हाँ और महुआ के पेड़ों के महुआ कहलन और जोन फरत हो के महुआ कहलन ये दोनों बाप और बेटा हो गए और नाती के रहल जोन फरत हो कोई वा वही में से तेल निकलत है और जब तेल निकला था भैया तो आप लोग पूरी लपसी खेले हुआ कैसे पुराने जमाने के लोग ज्यादा इस सबसे वाकिफ रहलन वही के दरुइयो बनत है यही के दरुइयो बनत है। और अगर असली महुआ के असली दारू चढ़ जाए अगर ओके हाथी के पिया दे तो वो पागल हो जाए। असली दारू का हाल रमेश भैया से पूछे अब भाई जे कर स्वाद लेवे होयो के पता हुई ए बाबू दुल्हन बड़े बुढ़िया बड़े प्रेम से दोनों का सवाल के जवाब दे देलस दोनों के इधर दुल्हन अपने सास के साथ काकथिन अपने घरे चल गई और वो चारों मुसाफिर बड़े प्रेम से भोजन करे लगलन। यही से कहानी समाप्त हुई बिरह आम कजरी के शीर्षक बतावल गई औरत की बुद्धिमानी आखिरी लाइन में कहना होगा इसे पैतरा बदल के अरे बाहरे ये भैया अरे रहाई हो बाहरे ये पंच हो अरे रहाई हो बाहरे मिठाई सुमन भारती की कहानिया बाहरे मिठाई सुमन भारती की कहानिया गोरी भरे कुआ नहस पनिया Yeah.
बाहर लिखाई सी मन भट के चहनिया गोरी भरल कुआ नहत पड़िया कहई बाहरे ये गोइया करल रहाई बाहरे हई सुमन भट के चहनिया गोरी भर